ग्वालियर में खुले में चिकन मटन बेचने वालों पर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन ने बैठक की। बैठक में खुले में मीट मटन बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने की बात की, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ये एक अतिक्रमण वाला है, वो एक दूसरा है। आज जो कार्रवाई है मुख्य रूप से वो मछली और जो मीट की दुकानें हैं, जैसे चावड़ी आ रहे, जैसे चावड़ी बाजार है हमारा, और भी जैसे एक दो छप्पर वाला पुल है या छोटे छोटे चचनबंदी नाके पे है, जो इस तरीके से हैं, तो कुछ जगह हमने चिन्हित करके आज हम वहाँ कार्रवाई करेंगे। 40% तक रात को लगते हैं, दिन में तो कम नहीं, दिन में भी है और रात में भी करेंगे हम लोग मूवमेंट, रात में भी करेंगे। वैसे टीम गठित किया, टीम बनाई हुई है हमने, चारों विधानसभाओं में अलग अलग टीम बनाई है। दो विधानसभाएं मैं देख रहा हूँ अभी, पूर्व और दक्षिण में, और हम लोग ये कार्रवाई आज से 15 से लेकर 31 तक हम ये कार्रवाई करेंगे रेगुलर।